तो लखनऊ में पोस्टर लगने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बाबा का अस्त्र जब चलेगा ना, बाबा योगी आदित्यनाथ का अस्त्र जब चलेगा ना, तो सब ठंडे पर जाएंगे। और अखिलेश यादव हारे हैं, चार बार हारने वाला व्यक्ति, और वो नीतीश कुमार जो मोदी के कंधे पे बैठ के बिहार का मुख्यमंत्री बना, आज प्रधानमंत्री बनने के सपने दे रहा है, इसकी औकात कैसे हो गई? कोई पूछने वाला नहीं है सर। पहले मोदी 2024 और योगी जी जब चाहे तब बन सकते हैं, योगी मोदी के अलावा विकल्प नहीं है। योगी बने और ममता और जो है सो नहीं बने, ममता न बने। बहुत लोग कह रहे हैं कि देखो अखाड़े में बहुत लोग खड़े हैं, पर जीतेगा एक ही शेर जिसको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। और ये राहुल गांधी पप्पू जी से कहते हैं, ये 29 चुनाव यात्रा कर रहे हैं, भारत तोड़ो। अगर औकात है राहुल गांधी, अपने मैनिफेस्टो में लिख दो, मेरे नाना जवाहरलाल नेहरू ने चीन को जो जमीन दी थी हम वापस लाएंगे, मेरी दादी ने बांग्लादेश को काटा था हम भारत में मिलाएंगे, मेरे नाना ने पाकिस्तान को बना के दिया था जिन्ना को हम वापस लाएंगे। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों परे हो चक्कर में? ये लोग जितने राहुल गांधी टक्कर में, ये भ्रष्टाचारी लोग इसलिए मिल रहे हैं कि देश को लूटा जाए, और वो मोदी जी ने ऐसा शिकंजा कसा हुआ है जो ये लोग लूट नहीं पा रहे देश को। मैं हूँ विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। चर्चा करते हैं कि लखनऊ में पोस्टर लग चुके हैं, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि क्या 2024 के लिए विपक्ष पूरा एकजुट हो चुका है? जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार को हराने के लिए अब नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, ये सब एक हो जाएंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, देश की जनता क्या सोच रही है इस मुद्दे पर, और जो लखनऊ में पोस्टर लगे हैं उस पर क्या कहना चाहोगे सर? क्या उम्मीद है कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार? सर यूपी में तो अभी योगी जी जीते हैं, 2022 में आप लोग ही तो कवर कर रहे थे, यूथ मीडिया से ज्यादा किसने कवर किया है? क्या योगी बाबा को कोई हरा सकता है? तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो नीतीश कुमार जी मिल जाएंगे तो मोदी जी चले जाएंगे 2000। अखिलेश यादव चार चुनाव हार चुका है, मैं लखनऊ गया था 2012, तब सिक्का चलता था मुलायम सिंह यादव का, उनके पास सहारा श्री थे, अमिताभ बच्चन थे, अमर सिंह थे, लेकिन अब क्या है, बाबा जी का ठुल्लू, अब कोई ना जीतता। नीतीश कुमार जी आ गए सर लोकसभा चुनाव में, 2014 में अखिलेश यादव हारे हैं, 2017 में विधानसभा में अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव, अखिलेश यादव बुरी तरह हारे हैं, 2019 में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव हारे हैं, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन गए, और 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं और अखिलेश यादव हारे हैं। चार बार हारने वाला व्यक्ति और वो नीतीश कुमार जो मोदी के कंधे पे बैठ के बिहार का मुख्यमंत्री बना, आज प्रधानमंत्री बनने के सपने दे रहा है, इसकी औकात कैसे हो गई? कोई पूछने वाला नहीं है सर। दिल्ली में चुनाव लड़ता है, एक सीट नहीं जीतता वो, उसने मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े हैं, एक चुनाव नहीं जीतती जेडीयू पार्टी। कहाँ के सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के असीम सपने? इस देश में मायावती प्रधानमंत्री बनना चाहती है, ममता प्रधानमंत्री बनना चाहती है, शरद पवार भी, अखिलेश यादव भी, एक अरविंद केजरीवाल भी, और अब नीतीश कुमार भी। कितने प्रधानमंत्री बनाओगे? कोई नहीं, मोदी जी को हराएंगे, चाहे कोई भी हो बन जाए प्रधानमंत्री। सर मोदी को कोई प्रधान कोई नहीं हरा सकता। अरे ख्वाब, लंबी ख्वाब तो सब देखता है भैया, ख्वाब देख रहे हैं सबके, सपना तो सब देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। हम हकीकत में जीते हैं, क्या बात कर रहे हो आप, हम हकीकत में जीते हैं। 2024 में फिर से मोदी सरकार, और 2029 में योगी पक्का, योगी कंफर्म है प्रधानमंत्री इस देश का। पहले मोदी 2024 और योगी जी जब चाहे तब बन सकते हैं, योगी मोदी के अलावा विकल्प नहीं है। योगी बने और ममता और जो है सो नहीं बने, ममता न बने, ख्वाब देख, कौन बने, योगी बने, कौन बने? अरे योगी बने या मोदी बने या कोई बने, ये सब नसीब का, जनता ये निर्णय करेगी। अरे जनता क्या सोच रही है? एक मिनट, आप क्या सोच रहे हैं, कौन बने प्रधानमंत्री 2024 में? या तो ममता बने, या तो नीतीश, मोदी ना बने तो अखिलेश बने, समझ गए? या तो अखिलेश बने, देश को बचाना है,
देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। ये बताइए, देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है, नहीं बचाना और नहीं बचाना है तो किसी चाहे जिसको बिठाना है। अच्छा ये बताइए, लखनऊ में पोस्टर लग चुके हैं यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। पहली बात तो लखनऊ में पोस्टर लगने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बाबा का अस्त्र जब चलेगा ना, बाबा योगी आदित्यनाथ का अस्त्र जब चलेगा ना, तो सब ठंडे पर जाएंगे, ठंडे पर जाएंगे। जैसे गर्म पानी आग में जैसे बोलते हैं पानी डाल दो बुझ जाता है ना, वैसे बाबा करेंगे। कहीं पुरवाई हवा चले तो कहीं उद्यान ना जाए। सुनो सुनो सुनो, अभी अभी ये सुन लो, बहुत लोग कह रहे हैं कि देखो अखाड़े में बहुत लोग खड़े हैं, पर जीतेगा एक ही शेर जिसको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार बादशाह के गली में जाने वाले लोग कहते हैं ना, बादशाह के गली घर जाने से पहले गुलामों के झुके हुए सिर उसका घर का पता बता देते हैं, ठीक है ना। तो मोदी जी को कोई पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने गरीब आदमी को घर बना के दिया है। आज महंगाई महंगाई करते हैं ना, नहीं ढाई ढाई लाख रुपया, साढ़े तीन तीन लाख रुपया सबको आवास दिया है, वो नहीं पूछते लोग कि कहाँ से आया। अभी जो आज कह रहे तो इसमें मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा 2024 में, क्योंकि मुझे देश को बचाना है। क्यों पड़े? अच्छा ये बताइए, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? सर आप पत्रकारिता कर रहे हो, एक बात बताओ ना, योगी मोदी नितिन गडकरी और अमित शाह एक और हिमंता बिस्वा शर्मा, इन पांच लोगों के अलावा बता दो कोई नेता है देश में? कोई नहीं है सर। और अखिलेश यादव वगैरह तो कहीं ठहरते ही नहीं, चार चुनाव हार गए। और ये राहुल गांधी पप्पू जी से कहते हैं, ये 29 चुनाव तोड़ो यात्रा कर रहे हैं भारत, भारत तोड़ो। अगर औकात है राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में लिख दो, मेरे नाना जवाहरलाल नेहरू ने चीन को जो जमीन दी थी हम वापस लाएंगे, मेरी दादी ने बांग्लादेश को काटा था हम भारत में मिलाएंगे, मेरे नाना ने पाकिस्तान को बना के दिया था जिन्ना को हम वापस लाएंगे, इस देश की जनता विश्वास करके तुम्हें वोट दे देगी, अन्यथा तो भूल जाओ भारत तो जुड़ा हुआ है। तुम बात करो पाकिस्तान को, तिब्बत को, अक्साई चीन को और बांग्लादेश को अखंड भारत बनाने की, अदरवाइज कोई तुम्हारे जाते में नहीं आने वाला। अब सिर्फ हिंदुत्व की बात होगी और अखंड भारत की बात होगी, अब इस देश में कोई एजेंडा नहीं चलेगा टुकड़े टुकड़े। ये भारत जुड़ा हुआ है सर, जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस देश के 20 राज्यों में भाजपा की सरकार चल रही है हिंदुत्व के नाम पे। पोस्टर लगा है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या लगता है 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं? सर आप समझदार पत्रकार हो, एक बात तो बताओ यूपी बिहार में सीटें कितनी हैं? आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 2024 में 80 में से 75 सीटें योगी बाबा के नाम पे जीती जा रही है लोकसभा की, फिर कैसे बन जाएंगे ये? और वहाँ 10 से ज्यादा ही तो सीटें हैं बिहार में, क्या 40 है क्या? अरे 40 सीटें हैं, 40 में तो 35 तो बीजेपी की है, 35 बीजेपी की है। नीतीश कुमार जी कहाँ गए? तो प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। कुमार घूमता रहेगा, इधर लड्डू खाया, उधर मिठाई खाई, कभी दीदी से मिल गए, कभी कुछ, और वो कभी केसीआर से मिल गए। सर बाद में बाबा जी का टुल्लू मिलना है। अब इनके खिलाफ एक बंदा और खड़ा हो रहा है, उसका नाम है पीके प्रशांत किशोर। उसने कहा है इन सब विपक्षियों की कब्र में आखिरी कील मैं ठोकूंगा, समझ लो। और क्या पता वो बाद में जाके मोदी से भी मिल जाए, इंटरनल खबर दे रहा हूँ। अखिलेश नीतीश कुमार से भड़के हुए हैं पीके, और बजाने की गेम बजाने की पूरी तैयारी कर ली है। और जो ख्वाब सोच रहे हैं ना, जो ख्वाब सोच रहे हैं रात में देख रहे हैं कि मोदी को हरा लेंगे, वो सपना का सपना ही रह जाएगा। मोदी को नहीं हरा पाएगा क्या कोई? ये बताइए, कोई नहीं हरा पाएगा मोदी। क्यों नहीं हरा पाएंगे? मोदी एक इंसान इतना अच्छा बंदा है ना, मोदी बताइए जरा, वो कह रहे हैं कि बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। किसको बर्बाद कर दिया मोदी ने? मानो देश को बचवा दिया है मोदी ने, किसी को नहीं बचाया वो। मोदी सबसे अच्छा बंदा है। 2024 की बात हो रही है, उधर लखनऊ में पोस्टर लग चुके हैं यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, मतलब संसद में ही आएगी ना, प्रधानमंत्री बन के जाएंगे। अच्छा प्रधानमंत्री बन के जाएंगे? हाँ वो कह रहे जाने वाले हैं, मतलब अब कुर्सी उनके हाथ में नहीं है। कहना चाह रहे हैं वो संसद में ही जा रहे हैं, पुनः संसद में जाएंगे वो, इसलिए पोस्टर। हाँ अखिलेश यादव जी की पार्टी के लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहते हैं? चाहते हैं, तभी तो लगाया उन्होंने। जाने का मतलब क्या हुआ? पुनः उसी स्थान पे जाना, पुनः उसी स्थान पे जाना। हाँ तो क्या लगता है जो राहुल गांधी जी
भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उधर से नीतीश कुमार जी पूरा विपक्ष जोड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है कि 2024 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं टक्कर दे पाएंगे ये लोग? भारत पहले टूटा कहाँ जो जोड़ रहे हैं, यही तो सवाल है, वो तो राहुल गांधी जी बताएंगे। तो वो तो पूछिए उनसे, उनसे ही पूछे। हाँ, जनता क्या सोच रही है इस बारे में? पहले टूटा हुआ पता चले कहाँ टूटा हुआ है, तब जुड़वाएंगे ना उसको। आप क्या कहोगे, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार? अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों परे हो चक्कर में? ये लोग जितने राहुल गांधी टक्कर में, ये भ्रष्टाचारी लोग इसलिए मिल रहे हैं कि देश को लूटा जाए, और वो मोदी जी ने ऐसा शिकंजा कसा हुआ है जो ये लोग लूट नहीं पा रहे हैं देश को, आप समझो। तो इसलिए ये सब लोग एक साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कितना ही एक साथ मिल जाए मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग 2024 क्या 2050 की तैयारी करने का तैयारी करें, उससे पहले लोगों का कोई चांस नहीं है, समझे कि नहीं समझे? मोदी जी जाने वाले हैं अपना झोला उठा कहीं नहीं, मोदी जी जाने वाले हैं, मोदी जी तो अभी 2050 तक रहेंगे, ठीक है ना, मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। जब तक हिंदुस्तानी के रग में देशभक्ति का उबाल है ना, तब तक मोदी जी यही है।